नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल पर फाइंड करेंगे, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड टेन ए, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करेंगे और कुछ ईजी तरीका बताएंगे कैसे फाइंड किया जाता है और सबको कैसे याद किया जाता है, ठीक ना। तो साइन जीरो पर वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन जीरो पर जीरो, ठीक। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2, साइन जीरो, साइन 91। ये आपको इतना तो याद करना पड़ेगा, साइन जीरो, साइन 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री पर ये वैल्यू होती है। अब कॉस की वैल्यू इन सब पर कैसे पता करेंगे, देखिए कॉस पर जस्ट इसको उलट कर लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे वन है, यहाँ वन लिखेंगे, √3/2, √3/2 यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ बगल में 1/√2, ये यहाँ 1/2 एंड जीरो जीरो, ठीक ना। इससे इतना तो समझ में आया, साइन एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, ठीक ना। ये अच्छे से याद करिएगा और इसको लिखने के बाद इसको जस्ट उल्टा करके यहाँ उलट के यहाँ लिख दीजिएगा तो ये कॉस की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर टेन की वैल्यू देखते हैं, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। इसके बाद इसको उठाकर यहाँ लिख दीजिए, √3 को लिख के यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसको इनफाइनाइट या नॉन डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक ना। इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, नॉन डिफाइंड। यहाँ 10a तक तो फाइंड कर लिया। अब देखिए हमें मालूम है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल, सॉरी यहाँ टेन के स्थान पे कॉट होगा, कॉट ए, ठीक ना। तो इसी की वैल्यू को उलट कर यहाँ लिख दें, ठीक ना। रेसिप्रोकल जीरो, जीरो लिखा इसका मतलब यही लिख देते हैं, जीरो, ये जीरो बाई वन है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, 1/0 नॉन डिफाइन होता है, ठीक ना। अपॉन में कभी भी जीरो आए तो नॉन डिफाइन, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक का इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक। और 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे इसको तो 2/1 आता है, ये 2/1, अपॉन में 1 की लिखने की जरूरत नहीं है तो ये 2 वैल्यू आ गई, 1/√2, √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का अप रेसिप्रोकल 1/1 होता है, 1 को 1/1 लिखते हैं, इसका भी उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, इसका मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ये 1 लिखा। अब मैंने जैसे बोला कॉसेक का, इसको उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, देखिए 1 को यहाँ लिख सकते हैं, 2/√3 यहाँ लिख सकते हैं, √2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, ये नॉन डिफाइंड यहाँ लिख देंगे, या इस कॉस का देखिए उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल बताया मैंने 1 ही होता है, इसका उल्टा ये रहा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो नॉन डिफाइंड आ गया, या इसको उल्टा करके यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। कॉट 10 का कॉट 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, नॉन डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। √3 का √3, √3/1 √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का देखिए ये √3 क्या लिखा है, √3 अपॉन 1 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3 हो गया, नॉन डिफाइंड, ठीक ना। 1/0 को मैंने बोला था नॉन डिफाइंड है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मतलब 0।
ठीक ना। इस तरह हमको इतना समझ में आया कि अगर हमें साइन से लेकर टेन तक ये अगर अच्छे से वैल्यू याद हो जाए तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी का रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, ठीक ना। और हमें मालूम है साइन का कोसेक रेसिप्रोकल, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इससे इसका मतलब अब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। और इसमें भी साइन और कॉस का वैल्यू 45 पर 1/√2 1/2 याद रखिए। इसको लिख को इसको इधर से ऐसे लिख दिया हमने, ठीक ना। और टेन ए का बोला था 0 पर 0, ये वैल्यू आपको याद रखिए 1/√3। इसके बाद इस 1 को उठा के यहाँ रख दीजिए, √3 को उठा के यहाँ रख दीजिए, जब कुछ ना बचे तो नॉन डिफाइन लिखिए, ठीक ना। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ इस स्पेसिफिक एंगल पर ये फाइंड हो गया,